वेलकम टू अवर चैनल अक्षर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल स्कूल इन क्रिमिनोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी बेकारिया एक्सपाउंडेड द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अगर हम बात करें मिडल ऑफ 18th सेंचुरी की, तो बेकारिया ने क्या करा था, फॉर्म्ड करा था, एक्सपाउंड करा था क्या क्लासिकल स्कूल को। क्लासिकल स्कूल टोटली रिजेक्ट प्री क्लासिकल स्कूल थ्योरी। जो क्लासिकल स्कूल था उसने टोटली रिजेक्ट कर दी कौन सी क्लासिकल स्कूल की थ्योरी, प्री क्लासिकल स्कूल की जो थ्योरी थी क्लासिकल स्कूल ने टोटली रिजेक्ट कर दी। प्री क्लासिकल स्कूल की थ्योरी क्या कहती थी, जो एक मैन है वो कमिट कर रहा है क्राइम, वो फ्री विल से नहीं कर रहा, उसके एक्शन पे कंट्रोल है किसका, डेविल स्पिरिट का, इविल स्पिरिट का। क्लियर, मैन तो क्या बिल्कुल प्योर है, सिंपल नेचर है, जो उसके एक्शन है वो कंट्रोल किसके द्वारा करे जा रहे हैं, डेविल स्पिरिट के द्वारा, तभी वो पर्सन कमिट कर रहा है क्राइम। इट बेस्ड अपॉन फ्री विल कंसेप्ट। और जो हमारी क्लासिकल स्कूल क्या कहता है, फ्री कंसेप्ट पे बिलीव करता है। फ्री विल कंसेप्ट क्या हो गया, फ्री विल कंसेप्ट मतलब यानी कि अगर कोई पर्सन, कोई मैन क्राइम कर रहा है तो वो अपनी इच्छा से ही कर रहा है, उसके एक्शन पे किसी भी डेविल स्पिरिट का कंट्रोल नहीं है। क्लियर, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ पेन एंड प्लेजर। अब देखिए क्लासिकल स्कूल क्या कहता है, एक पर्सन कब इन्फ्लुएंस्ड होता है, एक पर्सन इन्फ्लुएंस होता है किस थ्योरी से, पेन एंड प्लेजर थ्योरी से। पेन एंड प्लेजर थ्योरी क्या होती है, जब आप किसी व्यक्ति को पेन प्रोवाइड करके प्लेजर ले रहे हो, तो ऐसी चीज से जब आप इन्फ्लुएंस होते हो तब एक पर्सन क्या करता है, कमिट करता है क्राइम। फॉर एन एग्जांपल, ए और बी, उनके बीच में कोई भी क्या हुई है, तूतू मैं हो गई। अब ए ने जाके बी को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, बी को पेन प्रोवाइड करा और उससे उसे क्या मिला, प्लेजर मिला। तो यही चीज इन्फ्लुएंस करती है पर्सन को और यही चीज क्या करवाती है, कमिट करवाती है क्राइम। क्लियर, इक्वल पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस, या सम लिख रखा है बेटा, या सेम आना है, इक्वल पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस, यानी कि हर एक पर्सन ने, किसी ने भी ऑफेंस करा है उस पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए, यानी कि ए ने कोई ऑफेंस करा है, बी ने कोई ऑफेंस करा है, सी ने कोई ऑफेंस करा है और सेम ऑफेंस करा है, तो उस सेम ऑफेंस के लिए उन सभी को, ए बी सी को इक्वल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी थ्योरी है, तो क्लासिकल थ्योरी इक्वल पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस, इसी पे जाके इसे क्रिटिसाइज करा गया। सर ये चीज़ तो आज भी हमारे लिए कि अगर कोई भी आप कोई क्राइम कमिट कर रहे हो, कोई दूसरा व्यक्ति क्राइम कमिट कर रहा है तो सेम पनिशमेंट मिलती है उसे, तो इसमें आपको उन्हें कैसे क्रिटिसाइज करा, यानी कि क्लासिकल स्कूल को इसे कैसे क्रिटिसाइज करा गया। देखिए यहाँ पे इन्होंने इग्नोर कर दिया था इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर का कंसेप्ट ही नहीं था। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर सर और हैबिचुअल ऑफेंडर क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, आप गलती से कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं या आपसे ऑफेंस हो जाता है, यानी कि आप जब ऑफेंडर बनते हो फर्स्ट टाइम बनते हो। और कई बार क्या होते हैं, कई बार ऐसे पर्सन होते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, यानी कि मैंने किसी को मारा, क्लियर, मुझे जेल हो गई, क्लियर, मैं जेल से बाहर आया फिर मैंने किसी और को मारा तो मैं हैबिचुअल हो गया, यानी कि मेरे जो क्राइम कर रहा हूं मैं बार 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 क्राइम कर रहा हूं। और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर क्या होता है, जिससे पहली बार क्राइम हुआ, तो यहां पे उनके लिए पनिशमेंट क्या थी, सेम थी। कोई बहुत बार भी क्राइम कर रहा है, जो हैबिचुअल हो चुका है क्राइम करने के लिए, उसे भी सेम पनिशमेंट, और जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसे भी सेम पनिशमेंट। यही क्लासिकल स्कूल का बाद में जाके क्या बन गया था, क्रिटिज्म बन गया था। पनिशमेंट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द इंटेंसिटी ऑफ क्राइम, यानी कि जिस तरीके का क्राइम है, जिस तरीके की इंटेंसिटी है क्राइम की, उस तरीके का क्या होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। जो हमारा क्लासिकल स्कूल था वो फोकस किस पे करता था, क्राइम पे करता था, इट फोकस्ड ओनली ऑन क्राइम। Come to the criticism. It cannot differentiate between first time offender and habitual offender. जो हमारा क्लासिकल स्कूल था वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था किस में, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर में एंड हैबिचुअल ऑफेंडर में, यानी कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर और हैबिचुअल ऑफेंडर को क्या दी जा रही थी, सेम पनिशमेंट दी जा रही थी। फोकस ओनली ऑन एक्शन नॉट ऑन इंटेंशन, सिर्फ एक्शन के ऊपर फोकस करा जा रहा था, इंटेंशन के ऊपर फोकस ही नहीं करा जा रहा था। यानी कि अगर कोई पर्सन प्रोवोकेशन में, प्रोवोक होके कोई क्या कर रहा है, क्राइम कमिट कर रहा है, या सेल्फ डिफेंस में क्राइम कमिट कर रहा है, कोई मुझे जान से मारने वाला है और मैंने उसे क्या करा, मार दिया, तो यहां पे सिर्फ मेरा एक्शन देखा जा रहा था कि मैंने उसे मारा, मेरी इंटेंशन नहीं देखी जा रही थी किस टाइम, ड्यूरिंग क्लासिकल स्कूल। इग्नोर्ड स्टेट ऑफ माइंड, भाई टोटली क्या करा जा रहा था, स्टेट ऑफ माइंड को क्या करा जा रहा था, इग्नोर करा जाता है। स्टेट ऑफ माइंड मतलब अगर कोई पर्सन मेंटली डिसऑर्डर है, अगर उस पर्सन ने कोई क्राइम कमिट करा है तो उसे भी सेम पनिशमेंट दी जाती है, कि माइंड देखा ही नहीं जा रहा था किसका, ऑफेंडर का।
पनिशमेंट आर सेम फॉर ऑल, यानी कि सभी पर्सन को क्या दी जा रही थी, सेम पनिशमेंट दी जा रही थी सेम ऑफेंस के लिए, यानी कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो चाहे हैबिचुअल ऑफेंडर हो सेम पनिशमेंट दी जा रही थी सेम ऑफेंस के लिए। क्रिमिनल बिकम अ फ्री मैन एज बाय पेइंग द पेनल्टी ही परचेजेस हिज फ्रीडम, जो क्रिमिनल थे वो फ्री मैन बन जाते थे बाय पेइंग पेनल्टी, पेनल्टी पे करके वो क्या हो जाते थे, फ्री हो जाते थे, यानी कि ही रीपरचेजेस हिज फ्रीडम, वो क्या कर लेते थे, परचेज कर लेते थे अपनी फ्रीडम को। क्लियर, होपफुली आप सभी को क्लासिकल स्कूल समझ आया हो। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप विदाउट हेजिटेट मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी shubhamdobal.2 लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे मेल कर सकते हैं shubhamdobal2000@gmail मेरी क्या है मेल आईडी है। वीडियोस अच्छी लगती है, कंसेप्ट क्लियर होता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।